आप लोग, मैं संतोष कुमार स्मार्ट सॉल्यूशन पटना से। तो आई होप अच्छे होंगे आप लोग। तो चलिए आप लोगों को मैं एक न्यूज़ देना चाहता हूँ कि हमारी जो दिसंबर की बैच है वो सक्सेसफुली रहा और हमारे जो स्टूडेंट है आज इनका लास्ट डे है। तो ये लोग अपनी जो पर्सनल अनुभव है, जो भी सच्ची अनुभव है, आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। हमारे पहले जो स्टूडेंट है मुस्तिजा आलम, कहाँ से हैं आप मुस्तिजा जी? हेलो, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम एम डी मुर्तजा आलम, मैं औरंगाबाद जिला से। सर के पास कांटेक्ट करने के बाद सर बोले कि यहाँ पे ऑफलाइन क्लास चलता है। सर ग्रुप में भी मेंशन हुआ था। आप मुर्तिका जी, यहाँ जो आप आए, तो क्या आपको पहले में और अब में क्या कुछ डिफरेंस लगा? जी सर, बहुत डिफरेंट है। पहले का बोर्ड को देखने का अलग ही अनुभव था, अब देखने का अनुभव अलग है। जहाँ पे काम नहीं करना उधर चढ़ना नहीं है सर, मतलब बहुत कुछ सीखा। अब तो इतना बेटर हो गया हैंड स्किल की, मत कहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जैसे कि पहले आपके पास फोन डेड आते थे और अब जो फोन डेड आएंगे, तो आपको दोनों में चेक करने के अनुभव में कुछ फर्क आया आपको? जी सर, बहुत अनुभव है। फर्क यह है कि हम पहले जहाँ मन तहाँ चेक करते थे, जिस जहाँ का जी आर वैल्यू कितना आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, वो सब पता नहीं था। बट अब मालूम हो चुका है कि क्या आना चाहिए, कहाँ पे नहीं आना चाहिए, किसका वैल्यू क्या आना चाहिए, सब पता है सर। और भी आपको कुछ फोन वगैरह बना के दिखाया गया? जी सर, दिखाया गया, डबल डेकर का फोन दिखाया गया, शॉर्ट फोन हटाया गया, सीपीयू ईएमएमसी सब क्लियर है गया। और ईएमएमसी चेंज वगैरह? जी सर, सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग आकर के सीख सकते हैं? जी सर, मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आए, अच्छे से सीखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर के पास बहुत ही अच्छा व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं राम लखन कुमार और मैं वेस्ट चंपारण से आया हूँ। और सर का जो हमने YouTube में जो चैनल देखा और सर से हमने कांटेक्ट किया और सर से बातचीत हुई और सर ने बोला कि आइए आप लोग, जो 5 दिसंबर से जो क्लास होगा उसमें हम भी संकोच कर रहे थे कि पहले हम भी आए थे पटना, जो पहले हमारा कुछ पैसा मतलब डूब गया था। फिर संतोष सर से हमने बात किया, उन्होंने बोला कि आप 4 दिन 5 दिन ऐसे ही आके अपना क्लास देख सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो आप क्लास ज्वाइनिंग कर सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगे तो जो पैसा आपने बुकिंग किया वो हम रिटर्न कर देंगे। ये हमको सर को मतलब कि ये जो सर हमको जो ये अनुभव दिया हमको बहुत अच्छा लगा और हमने यहाँ आया और हमने 4 दिन ये जो सर बोले थे बेसिक क्लास के लिए हमने किया और हमने देखा सर का क्लास जो था वो बहुत ही अनुभव और गहरा जो सर का डीप नॉलेज था उन्होंने दिया हमके बीच और हमने वो जो दिया हमने सीखा। और ये जो पहले हम मदरबोर्ड को जिस नज़रिए से देखते थे उस समय हम लोग को मतलब कि उसके बारे में नॉलेज नहीं था, वो कीड़ा मकोड़ा जैसा ऐसा लग रहा था, लेकिन आज हम देखते हैं उस बोर्ड को तो ऐसा लगता है कि हम उसका एक एक लाइन और एक एक रास्ता मतलब कि देखने में नजर आता है। और वो जो हमको जितना भी सब टॉपिक सिखाए वो बहुत ही अच्छा टॉपिक था और करके भी दिखाया सर। और हमारे पास मतलब कि हमारे एरिया से 10-12 दुकान से एक फोन जो घूम गया था वो पूरा मदरबोर्ड पूरा मतलब कि उसका बहुत लोग उसका छेड़ दिया था, फिर भी सर ने उनको देखा और वो बोर्ड अभी चालू है अभी और हमारे पास भी है और कस्टमर अच्छा मतलब कि वो अच्छा हमको मतलब कि बोला कि वो बहुत बढ़िया जो आप बनवा दिए सेट, सर का जो नॉलेज था उनको हम सभी के बीच रखा और हमने भी उस डबल डे करके जो सर ने टॉप की दिया उसको हमने सीखा और सर का नॉलेज था बहुत अच्छा था। आपके पास एक फोन था जो कि आपके एरिया का चैलेंजिंग था, जी वो फोन आपका? जी नमस्कार, मैं अमित कुमार मधुबनी जिले से जयनगर से हूँ। मैं पहले मैं हार्डवेयर का कुछ नहीं जानता था, कुछ काम नहीं किया मैंने, मुझे एक जैक तक लगाना नहीं आता था। यहाँ आके मेरा हैंड स्किल इम्प्रूव हुआ, मदरबोर्ड को देखने का नजरिया बदल गया। अब हमें पता हो चुका है कि कौन से बीमारी कौन से सेक्शन से आ सकता है, कौन से सेक्शन की लाइन कहाँ कहाँ जाती है और ये कहाँ वोल्टेज अप करते हैं, कहाँ वोल्टेज डाउन करते हैं, किसको कैसे सप्लाई देती है। तो ऐसा रहा अनुभव कि अब ऐसा लग रहा है कि मैं हार्डवेयर का काम हर तरीके का काम कर सकता हूँ। मैं जितेंद्र कुमार छपरा जिला से, हम पहले पावर आईसी WTR ये सब हम लगा लेते थे,
हमको दिक्कत था मोबाइल को समझना कि हम मोबाइल को सही तरीके से रिपेयरिंग कैसे करें। बस कुछ आया बना दिए, साफ सफाई कर दिए, हो गया तो हो गया, नहीं तो वापस। हम संतोष सर से ये समझे कि बोर्नियो सही तरीका से चलता कैसे है, इसको समझा कैसे जाता है, इस लाइन को, हर एक लाइन को किस तरह कैसे हम समझेंगे, इसका प्रॉब्लम हम समझ कर इसको फाइंड आउट करेंगे और बनाएंगे, ये सब हम संतोष सर से समझे। और हैंड स्किल भी यहाँ बहुत अच्छा तरीका से समझाया जाता है, जिससे हम और भी मेरा नॉलेज ग्रोथ किया। हम कहेंगे कि रिपेयरिंग के मामले में संतोष सर से बेहतर कोई नहीं है, ये मेरा नॉलेज है, हम एक स्टूडेंट हैं और हम 5-7 साल से पहले काम करते थे, बस ये सही बनाए, हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं। हम रिपेयरिंग के मामले में हम कहेंगे संतोष सर। थैंक यू। मैं जितेंद्र कुमार पटना सिटी से हूँ, मैं लमसम 12-13 साल से मोबाइल रिपेयरिंग कर रहा हूँ, लेकिन आज तक जो भी मैंने काम किया बस अंदाज की वजह से किया है, कोई मेरा मतलब कहीं मैंने कहीं कोई क्लास वास नहीं किया था, यूट्यूब पर देख के मैं काम कर रहा था। तो संतोष सर का मैंने क्लास ज्वाइन किया यूट्यूब देख के ही, और यहाँ आने का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अब मुझे एक लाइन की जानकारी है कि ए लाइन कहाँ जाती है, कौन सी लाइन टच कहाँ पे होती है, और न्यू लाइन लिखने में जानकारी मिल गई है, और मोबाइल मदरबोर्ड को देखने का मेरा चेंज हो गया है। अब मैं तो बाकी ठीक है सर। यानी कि एक चीज मुझे बताइए, पहले भी आप फोन रिपेयर करते थे? हाँ करता था, अभी फोन रिपेयर करते हैं। बीच में क्या आपको यहाँ आने से कितना डिफरेंस हुआ, अगर हम 1 और 10 के बीच में परसेंटेज शेयर करें कि आप मुझे 1 में से कितनी मार्क्स देंगे, 1 और 10 के बीच में कितने? सर आपका मार्क्स तो पूरा 10 में 10 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बाकी का मार्क्स मेरे हैंड्स पे डिपेंड करता है कि मैं घर पे कितना प्रैक्टिस करता हूँ, मैं घर पे कितना मेहनत करता हूँ, बाकी उसके ऊपर मैं कितना समझता हूँ। आपने तो मुझे पूरा निचोड़ दे दिया है, इतना मुझे आता है, ये सब चाहिए आपको, ये सब आप में कोई कमी नहीं है सर। अब अगर किसी बच्चे से नहीं हो पाता तो ये उसकी कमी है कि वो उसका हैंड स्किल सही नहीं है। लेकिन हैंड स्किल कैसे बनाना है ये आपने से एकदम प्रॉपर तरीके से बताया है, किस तरह से काम करना है, कितना हीट देना है, कितना एयर देना है, कितना समय तक देना है, सब आपने एकदम अच्छा से बताया, उसमें कोई शक नहीं है सर। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे कुछ स्टूडेंट थे जो कि ऑफलाइन में आए हुए हैं, अलग अलग जगह से हैं, कोई हमारे छपरा से हैं, कोई हमारा मधुबनी जिला से है, कोई वेस्ट चंपारण से, हर जगह से हमारे पास लोग आते हैं। हर मंथ हमारा एक बैच क्रिएट होता है और महीना में हमारा सिर्फ एक बैच ही चलता है हर मंथ। तो अब जो हमारी नेक्स्ट बुकिंग है वो 5 जनवरी से चल रही है, 5 जनवरी की बुकिंग हमारा ओपन है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपके मन में कोई भी डॉट हो रिगार्डिंग, कोई भी क्वेश्चंस हो रिपेयरिंग के रिगार्डिंग, या कोई भी मन में संभावना या डर हो, तो आप हमें कॉल करें, मैसेज करें, आप हमसे पहले रूबरू होके बात करें, उसके बाद आप हमारा क्लास ज्वाइन करें या आप हमें हमारे लिए आप पटना आए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं इन शो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार एंड धन्यवाद।